अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बी एस मैथ फोर्थ सेमेस्टर फाइन एंड रिलीजन ज्योमेट्री लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास। एक छोटा सा प्रॉब्लम था थील सीरम के मुताबिक, तो वो मैंने सोचा शेयर कर लूँ। अब प्रॉब्लम ऑफ थील सीरम आज हमारा टॉपिक है। कल हम एक और थ्योरम करेंगे जिसका नाम है मैनी लॉस थ्योरम। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ही शॉर्ट है, सो इसलिए जल्दी ख़त्म होने वाला है। इफ़ डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी देन फाइंड ई सी। प्रॉब्लम क्या है वो सुने, क्वेश्चन है इफ़ डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी देन फाइंड ई सी, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये ट्राइंगल भी गिवन है, ये ट्राइंगल दी भी हमारे पास ए बी सी, और इसके ऊपर ये देखें ब्लू कलर का जो पैरेलल उसने क्या किया होगा, ड्रा किया होगा है, ये वाला ब्लू कलर का ये पैरेलल है डी ई, और ये इस ई सी से क्या है, बी सी से क्या है, पैरेलल है। तो हमने फाइंड करना है ई सी। तो हमारे पास देखें ये 1 सेंटीमीटर ए ई की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर वन ए डी की वैल्यू दी हुई है, और 3 सेंटीमीटर बी डी की वैल्यू दी हुई है, और ये वाली जो वैल्यू है ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, ये जो ई सी की वैल्यू है ये वाली। ओके, सो नाउ लेट्स मूव द सॉल्यूशन। एज गिवन, हमारे पास गिवन है कि डी सी बी सी के क्या है, पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू द थील्स थ्योरम, कल हमने थील्स थ्योरम में ये प्रूव किया था कि आपके पास, कल वाले 2 प्रूव को देखें, ए डी इज इक्वल टू बी डी, ए टी ओवर बी डी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, ये हमारा 2 प्रूफ था। और लास्ट में हमने ये क्या कर लिया था, प्रूफ भी कर लिया था, ये देखें ये 2 प्रूव्ड है, ए टी ओवर बी डी इक्वल टू ए ई ओवर सी ई। तो जो हमने प्रूफ किया था उस प्रूफ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम सीरम, ए डी ओवर बी डी इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। तो ये एक फार्मूला है थ्योरम सीरम का, इसको अगर हम अप्लाई करें तो इसमें वैल्यूज पुट करें, ये देखें ए डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद मैं वैल्यूज़ आपको पुट करके दे देता हूँ। ठीक है, ये देखिए जी, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम, तो ये जी मैंने लिख दिया थेल्स थ्योरम। ठीक है जी, अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, बार पोटन की वैल्यूज़। ये जी 1.5 सेंटीमीटर आ गई ए डी की, बी डी की वैल्यू देखें 3 सेंटीमीटर, ए ई की वैल्यू देखें 1 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास ई सी है इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ई सी मल्टीप्लाई होगा 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 ई सी आ जाएगा, और जो 3 और 1 है वो क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ से अगर हम 1.5 सेंटीमीटर को डिवाइड कर लें तो 1.5 कट जाएगा और जाके दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और वहाँ पे हमारे पास बचेगा ई सी, और यहाँ पे आ जाएगा 3/5 1.5 का अगर हम पॉइंट काट दें, ऊपर 0 लगा दें, तो 30/15 बन जाता है, और 30 को 15 पे तकसीम करें तो हमारे पास आ जाता है 2। तो हमारा आज का आंसर क्या होगा, ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज, थैंक्स फॉर लॉट। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और सच के रास्ते पर चलने की तौफीक दे।